Welcome back friends. I am Prabhat Kumar Singh and today I am here with the question answer or the answer key of the chapter The Visitor uh, written by Mark Frank Jusak. So let us discuss this but before that I would like to tell you that in our channel if you are new or you have yet not subscribed the channel please subscribe it because we provide the videos for cbsc classes 8 9 10 11 and 12 and bihar board classes 11 and 12 so and also the gulmohar reader uh, solution for classes 8 and 9 so if you are any you are reading or you are teaching in any of these classes please subscribe to my channel and press the bell icon so that our videos could reach to you the very first and the older videos could be accessed easily so let us discuss the uh, Uh, answers the questions. I will explain it in Hindi now. तो so, सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका understanding the text है इसका इसका discussion हम लोग करेंगे वैसे आपको कई channel पर आपको ये answers मिल भी सकते हैं But आप जानते hain wahan explanation नहीं होता है सिर्फ आपको रट्टूमल बनाया जाता है चलिए तो पहला read रीड दीज from फ्रॉम द and एंड आंसर दीज क्वेश्चन है ना तो ये जो लाइन्स दिए गए हैं उनको पढ़ना है लाइन क्या है तो ये वाला लाइन है थिंक लीज सी हैड इट दैट इज़ इट शी डिसाइडेड बट आई हैव टू मेक इट रियल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगला है आपका कि वट वॉज लीजल प्लानिंग है ना कि लीजल जो है वो क्या प्लान कर रही थी इसका आंसर हो जाएगा लीजल वॉज प्लानिंग टू कम अप विद ए प्लान टू एक्सक्यूज हर्सल फ्रॉम द चिल्ड्रंस गेम वो अपना एक ऐसा प्लान कर रही थी कि जिससे कि वो जो बच्चों के साथ उस समय खेल रही थी उस खेल से उसे एक्सक्यूज मिल जाए वो वहाँ से निकल जाए क्योंकि अचानक से भागे तो फिर तो गड़बड़ होगी चैप्टर आपने जरूर पढ़ लिया होगा मुझे पूरी उम्मीद है नहीं पढ़ा होगा तो लिंक ऊपर आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन में भी है वहाँ से जाके देख ले मैंने इस चैप्टर को लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन किया दो पार्ट्स में वो वीडियोज़ हैं तो आप उसे ज़रूर देखें तो वो खेल रही थी तो वहाँ से चूंकि भागे तब तो पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है क्योंकि आप सबको पता है चैप्टर आपने पढ़ा है तो किसने जो है वो छुपा रखा था मैक्स को तो इसलिए वो आराम से एक बहाना बनाती है है ना प्रीटेक्स्ट एंड रन बैक टू हर होम एंड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स अबाउट द एन एस डी पी मेम्बर्स एन एस डी पी वही जो नाजी पार्टी के हैं कमिंग डाउन द स्ट्रीट चेकिंग द बेसमेंट इन एवरी हाउस क्योंकि वो आ रहे थे और चेक कर रहे थे बेसमेंट्स को हर घर घर के टू चेक द दियर पॉसिबिलिटी फॉर बींग टर्न इन टू ए रेड सेल्टर्स है ना कि वो जहाँ पर कि हवा वगैरह है वो ऐसे वाले सेल्टर के तो और जगह भी होना चाहिए शीहै टू हैच अ प्लान हैच जैसे अंडे सेना वैसे प्लान एक सोचना था अर्जेंटली वो भी अर्जेंट सोचिए ये बहुत बड़ी बात है इसलिए इसमें दिया हुआ छोटी सी बच्ची है और ये सोच रही है अन्यथा बड़े बड़े लोग पुलिस वगैरह को देख के आर्मी को देख के घबरा जाएंगे बट ये घबरा नहीं रही है इसको जल्दी जल्दी सोचना है थिंक इट है ना इसलिए दिया हुआ बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स वर शेल्टरिंग अ जीविसमैन है ना एक जीव जो है नस्ल के व्यक्ति को उसके पेरेंट्स ने ठहरा रखा था मैक्स जिसका नाम था मैक्स इन द बेसमेंट एंड विदाउट लीजल्स इंफॉर्मेशन और लीजल के इंफॉर्मेशन के बिना हर पेरेंट्स वुड टोटली बी ब्लाइंड साइडेड वेन द एन एस डी पी केम्प जब वो ब्लाइंड साइड मतलब उनको कोई भी जानकारी ही नहीं होगी कि हाँ भाई वो आ रहा है कैसे पता चलेगा है ना उन लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि वो आ रहे हैं तो इसलिए ये बताना उसके लिए जो है सो वो जरूरी था और केम टू दियर डोर जो कि उनके दरवाजे पे आ रहे थे डिमांडेड टू चेक द बेसमेंट जो कि बेसमेंट चेक करेंगे द एनएसडी पी वर्किंग अंडर हिटलर्स ऑर्डर्स वो हिटलर के ऑर्डर एडोल्फ हिटलर जानते होंगे तानाशाह था तो डिक्टेटर था वो हैव टेकन काइंडली आइदर टू ए जीव इन हाइडिंग टू पीपुल गेव हिम सेल्टर ना तो उस जीव को छोड़ते ना जो उसको शरण देगा उसको भी वो डेथ सेंटेंस जो है वो दे देते ऐसा उसका ये था चलिए अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है कि वा, 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 वा वा शी है तो मेक इट रियल है ना कि उसको क्यों इसे रियल बनाना था तो शी रियल बिकॉज इफ द एन एस डी पी मेम्बर्स ग्रीव द स्लाइटेस्ट बिट ऑफ सस्पीशियस फ्रॉम हर एक्शंस क्योंकि यदि उसके एक्शन से थोड़ा भी है ना यदि शंका होता देउड है ना टर्न दियर हाउस इन साइड आउट है ना तो वो घर को पूरा अंदर से बाहर कर देते यानी कि वो पूरा अच्छे से खंगालते एंड फाइनली डिस्कवर द जीव और उस जीव को उस मैक्स को खोज लेते लीज ऑल रियलाइज दैट हर बेस्ट शॉर्ट वॉज मेंटेनिंग ऑल है ना सेम्बलेंसेज ऑफ नॉर्मल सी है ना एकदम नॉर्मल सी का कि नॉर्मल कुछ नहीं मतलब मतलब ये नहीं कि उनको देख के कुछ भी हुआ है है ना तो चोर की दाढ़ी में तो कहते हैं ना अक्सर ऐसा ही होता है तो ऐसा कुछ नहीं नॉर्मल सी मेंटेन करना तो सम गेटिंग द इंफॉर्मेशन टू हर फादर और उसके फादर को ये इन्फॉर्म करना था आगे बढ़ते हैं आ, पापा वॉज स्ट्रिक्ट ये लाइन दिए गए नथिंग वी डोंट इवन गोद डाउन दियर नॉट अ कीयर इन द वर्ल्ड चलिए तो इससे रिलेटेड इस लाइन को पढ़ के और फिर इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है ए और क्वेश्चन ये है कि वट वॉज़ पापाज़ प्लान टू प्रिवेंट द नाज़ी फ्रॉम फाइंडिंग मैक्स पापा को क्या प्लान uh, करना था ताकि वो रोक सके प्रिवेंट कर सके है ना नाज़ी को वहाँ जाने से तो एट फर्स्ट ममा हैड कंसिडर्ड मूविंग मैक्स फ्रॉम द बेसमेंट टू तो लीजल्स रूम पहले तो प्लान ये था कि उसको बेसमेंट से ले जा कर के लीजेल के रूम में रख दिया जाए बट देन देयर वाज नो टाइम फॉर दैट लेकिन उसके लिए टाइम ही नहीं था इतना जल्दी उधर से देख के उसको आ रही है दौड़ के तो वो भागना नहीं है उसको नॉर्मल वे में आई थी तब तक वो पीछे पीछे आ ही रहे थे तो इतना जल्दी हो नहीं सकता था द एन एस डी पी व ऑलरेडी एट दियर डोर और ये बताए बताए तब तक वो दरवाजे पर थे पापा टोल्ड देम ओनली प्लान है ना गिवेन द सिचुएशन शुड बी टू डू नथिंग एंड रिसीव द पार्टी मेम्बर्स एज नेचुरली एंड कॉडली एज दे कुड तो कहा कि नहीं कुछ नहीं उसको जैसे नेचुरल होता है जैसे हमारे घर पे आए पुलिस आए आर्मी आए तो हम जैसे नॉर्मल बिहेव करना हमें वैसे करना भैया अब इतना जल्दी उसको भगाया नहीं जा सकता उस रूम में रखा नहीं जा सकता लीजल के चलिए अगला है कि वाई डू यू थिंक ही वॉन्टेड टू प्रिटेंड एज दो दे डिड नॉट हैव अ केयर इन द वर्ल्ड क्यों ऐसा दिखाना चाहते थे उनको कोई कोई परवाह नहीं है ना तो पापा वॉन्टेड देम टू तो प्रिटेंड लाइक दे डिड नॉट हैव ए केयर इन द वर्ल्ड सो दैट द एन एस डी पी मेम्बर्स हु हैड कम टू इंस्पेक्ट द बेसमेंट एन दियर हाउस वुड नॉट सस्पेक्ट दैट हुर मैन हैड एनी थिंग टू हैव कि नॉर्मल करना नहीं कुछ नहीं उसका संसार में कुछ नहीं है इधर नहीं उधर नहीं कुछ नहीं ऐसा करेंगे तो वो फिर शंका नहीं होगी फिर अगला आपका ये थर्ड में भी ये लाइंस दिए हुए हैं इस लाइन के बेसिस पे आपको बताना है और क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक लीजल एंड द हुबरमैंस हुबर मैंस ये इनके टाइटल है याद रखेंगे बहुत सारे एक दो लोग मुझसे पूछते थे कि हुबरमैन कौन है तो यही जो लीजल है इसका और इसके पिताजी का नाम मिस्टर हुबरमैन uh, uh, हो गया ये जो है सो लीजल हुबरमैन हो गई तो वर फॉन्ड ऑफ मैक्स क्या वो लोग शौकीन थे बस उसको चाहते थे और वर दे ओनली व अबाउट बींग पनिश्ड क्या वो उसको भी चाहते थे मतलब यह भी कारण था कि उसको चाहते थे इसलिए भी या सिर्फ ये डर के मारे ऐसा कर रहे थे कि उन्होंने जीव को जो है वो अपने घर में सेल्टर दे रखी थी चलिए जानते हैं इसके आंसर को अगले पेज पर है तो कहता है कि लीजल एंड हर पेरेंट्स वर फॉन्ड ऑफ मैक्स है ना ये उसको मतलब चाहते थे फंड ऑफ थे शौकीन थे हर पेरेंट्स आर डिसाइडेड टू शेल्टर ए जीविस मैन है ना ऑन प्रिंसिपल इस बात पर इस सिद्धांत पर एंड हैड ऑलो किस सिद्धांत पर सिर्फ प्रिंसिपल लिख दिया गया कि मतलब भाई ह्यूमनिटी है वो भी ह्यूमन है हम भी ह्यूमन है ऐसा क्या हुआ कि वो उस नस्ल का है तो वो गलत है हिटलर की है तो तानाशाही थी आज भी वो इतिहास में तानाशाह और खराब माना जाता है उसे ऑल्सो ग्रोन टू बी फाउंड ऑफ हिम वो भी जो लोग इसके शौकीन थे मतलब उसको चाहते थे ऑफकोर्स देसो लिव्ड विद द फियर हाँ तो वो उसके फाउंड थे लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो डर भी था उनको डिस्कवरी ऑफ देम डीड एज वेल एज बट द फैक्ट दैट द चाइल्ड इन द फैमिली कुड है ना इम्पेथाइज विथ मैक्स फियर एंड हेल्पलेसनेस हाइडिंग इन दिस प्लेन साइट इन ए रूम विथ एन एस डी पी मेम्बर शो द एक्सटेंट ऑफ दियर कंसर्न फॉर मैक्स तो ये भी हो चूंकि तो सोचा देगी वो तो शौक मतलब उसको चाहते भी थे ये भी बात हो गई दूसरी बात की वो इस बात का भी डर था कि भाई पकड़े जाए यदि उसको सेल्टर देते हुए तो प्रॉब्लम होगी और तीसरी बात ये भी थी कि नहीं लेकिन सिर्फ ये कह देना कि उनको डर था क्योंकि वो उसको केयर भी कर रहे थे ना ये क्या अरे कैसे वो छुपा होगा ये चिंता भी तो लीजल को भी थी चलिए इसी पर उन्हीं लाइन्स पर डिपेंडेंट सेकेंड है बी है कि कैन यू फाइंड मोर एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स टू सपोर्ट योर आंसर क्या और भी एग्जाम्पल आप पता कर सकते हैं तो कहता है वी सी द हुर मैन कंसर्न फॉर मैक्स फ्रॉम द वेरी आउट एकदम शुरुआत से दिस वॉज एवर सिंस लीजल थ्रोट ड्राइड अप क्योंकि उसको देखते ही उसके होंठ सूख गए भैया मान लो आप, आपने पुलिस को देखा आपने कोई गलती नहीं की फिर आपके होंठ क्यों सूखेंगे तो लेकिन भाई ये तो गलती थी तो इसलिए मतलब कि चाहत भी तो थी वेन वेन शी शॉ एन एस डी पी मेम्बर्स कमिंग डाउन द रोड चेकिंग बेसमेंट्स इन एवरी हाउस वो हर घर के बेसमेंट को चेक कराते पापा से इमीडिएट एक्शन पापा की इमीडिएट एक्शन एंड इज एक्ट ऑफ मेंटेनिंग ए रूस है ना चाल एक चाल थी यादों का वो घुटने पे चोट लगने का विथ आर वेरी हाई स्टेक्स है ना इज़ अगेन प्रूफ ऑफ दियर है ना फॉन्डनेस फॉर मैक्स हु हैड ऑलमोस्ट बिकम ए फैमिली मेंबर वो लगभग लगभग एक फैमिली मेंबर ही बन गया हुआ था घर का सदस्य कोई भी इतने दिन रहेगा तो वो बन ही जाएगा और ह्यूमैनिटी के नाते भी चलिए आंसर दिस क्वेश्चन अब बी में है इसी के जिसका पहला का ये है कि मैक्स क्लेम्स डेट ही वुड नॉट हैव यूज़ द पेयर ऑफ सीजर्स ही वॉज फाउंड होल्डिंग डज पैरा सिक्सटी नाइन अस दैट फॉर श्योर और इज देयर सम अनसर्टेनिटी क्या कुछ अनसर्टेनिटी है आंसर है मैक्स वाज होल्डिंग ए पेयर ऑफ रस्टी सीजर्स रस्टी जंग लगा हुआ सीजर्स यानी कि कैच अकॉर्डिंग टू पैरा 69 नाइन विच कुड बी टर्न इन टू ए स्टैबिंग वेपन प्रॉपर मोटिवेशन एंड फोर्स है ना वो कुछ खास मोटिवेशन और इससे भी रखा हुआ था मैक्स टेल्स द दैट ही रियली मीन टू यूज दम एज ए वेपन कहता कि नहीं ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि वेपन की तरह यूज करे बट गिवस द नर्वस स्टेट ही वॉज इन की वो नर्वस स्टेट में था क्या पता उससे खुद को मार लिया कुछ भी ऐसा नो वन कैन बी सियोर एस टू वॉट ही वुड हैव डन हैड ही हैड बीन डिस्कवर्ड बाय द नाजीज अब ये कोई नहीं कह सकता हो सकता पकड़ने पर वो कैसी वो सीजर चलाया चलाया चलाएगा या चलाया होता या नहीं तो ये तो उसके मन की बात है अंदर की बात है कैसे कहा जाए आगे है इन योर ओपिनियन वुड मैक्स हैव बीन जस्टिफाइड इन यूजिंग द सीजर ऑफ द नाजी आपकी राय राय आपकी राय में क्या लगता है कि वो जस्टिफाइड है यदि वो चलाए तो पर वन कूड नॉट ब्लेम मैक्स इवन इफ इफ ही डिड यूज द सीजर्स ऑन नाजी यदि वो चला भी दे तो कोई इसको ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि बिकॉज इन दिस कंटेक्सट मैक्स वुड भी डिस पर एड टू डू एनी थिंग टू सरवाइव फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल कोई भी जब जान पर आ जा हमने कोई ऐसी चोरी डकैती की नहीं हमने तो बस ये कि हमने इस जन्म में इस नस्ल में पैदा हुआ तो इसके लिए हमें तो ऐसा यदि चला भी दे तो कोई खास ये बात नहीं होगी एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड स्केप द नाजी एजेंडा ऑफ मास स्केल एथनिक क्लीनजिंग है ना ये जो नस्लीय क्लीनजिंग की इस नस्ल को ख़त्म कर देना तो उस आधार पर यदि वो चला भी दे तो इस पर बहुत ज़्यादा हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए चलिए सेकेंड क्वेश्चन है कि उसका हाउ डज लीजल प्रूव हर सेल्फ टू बी क्लेवर एंड रिसोर्सफुल गर्ल कैसे वो लीजल अपने आप को प्रूव करती है एक होशियार और रिसोर्सफुल गर्ल के रूप में विथ करेज एंड सेल्फ कंट्रोल करेज भी था और सेल्फ कंट्रोल भी था यूज़ दिस सिचुएशन एज एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर पहला है लीजल्स प्लान टू वर्न हर पेरेंट्स अबाउट द इंस्पेक्शन पहला कि इंस्पेक्शन जो हो रहा है उसके बारे में वर्न करना चेतावनी देना लीजल प्रूफ हर सेल्फ टू तो बी ए क्लेवर एंड रिसोर्सफुल गर्ल विथ करेज एंड सेल्फ कंट्रोल सी हैच एज ए प्लान वो एक प्लान सोचती है क्विकली सो दैट शी वुड स्लिप अवे फ्रॉम द गेम विथ ए लेजिटीमेट है ना रीजन है ना एक तरक्संगत रीजन देकर ऐसे नहीं गेम से ऐसे कैसे छोड़ के बागी तब तो शंका हो जाएगा फॉर गोइंग बैक होम दैट वे शी कुड वन हर फादर ऑफ द है इमिनेंट नाजी इंस्पेक्शन जो अभी जो एकदम तुरंत जो इंस्पेक्शन होने वाला था उसके बारे में सी ट्राइज टू कीप काम वो शांत रहना चाहती है एंड कन्वे द फुल इंफॉर्मेशन टू हर फादर और शांत रह के ही आराम से जाती है आराम से सारा इंफॉर्मेशन पिताजी को फटाफट में बताती है बीमे लीजल्स बिहेवियर ड्यूरिंग द नाजी इंस्पेक्शन लीजल पार्टिक्स इन हर फादर्स है ना कैरेड यानी मेकिंग ए फॉल्स श्रो वो जो ये चोट लगने का ऑफ नॉर्मल है ना दोनों यारों के डायलॉग्स पिताजी को वो जो उसके घाव पे वो लगा रहे थे तो नॉर्मल का दर्द कर रहा है ये वो ताकि उनका ध्यान इधर जाए उधर वो ठीक से ना देख पाए इंस्पेक्टिंग द बेसमेंट दो हर माइंड वॉज ए जेल्ड यानी इमोशनली अटैक्ट था बाय द इमेजेज ऑफ मैक्स क्राउचिंग कैसे मैक्स जो है क्राउचिंग होगा यानी दुबका हुआ होगा इंटेर दर से हाइडिंग फ्रॉम द नाजी नाजी से वॉज स्टिल एबल टू फंक्शन नॉर्मली एंड कीप हर काम ये सोच भी रही थी एक तरफ लेकिन फिर भी वो अपने को कीप काम रख रही थी अपने आप को शांत बनाए रख रही थी चलिए यहां तक ये यह मेन होता है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया इसके बाद अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट है इन सब को आप मिला लीजिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती बस आपके उस नॉलेज को देखने के लिए कि आपने चैप्टर कितना पढ़ा है वैसे आपने देखा हुआ तो ईजी होगा वन दिया हुआ है टू का ये आंसर है इसी प्रकार ये थ्री का आंसर है ये फोर का है ये फाइव का है एक बात और यदि आप चाहें इन सबको नोट करना तो आप आराम से इसको आ, मैंने इसकी सेटिंग नहीं की इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके अलावा आप चाहें तो इसे पॉज करके भी वीडियो को आप देख सकते हैं इसी प्रकार सिक्स में दो ऑप्शन है फिर सिक्स का है ना ए भी है और बी भी, भी है तो आप आराम से इसको ले सकते हैं स्क्रीन पर से ये मैंने हटा दिया चलिए आगे अभी इसका और है अभी ये थोड़ा बड़े इसके बड़े बड़े आंसर ये नाइन टू टेन पेजेस में हुए हैं तो एक बात मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें इतना सारा ये सब मैंने खुद से टाइपिंग की है है ना आप बैक में देख सकते हैं इसका जो है वो पी के मंत्रा इंग्लिश क्लासेस का लोगो भी मैंने लगाया है तो मैंने खुद से ये सारे टाइपिंग किए लॉकडाउन के पोजीशन में अभी तो कहीं जाया भी नहीं जा सकता कोई कर भी नहीं सकता इसलिए मैं खुद से करता हूँ चलिए अगला है ग्रामर एंड यूज़ है तो ग्रामर एंड यूजेज में आप देख सकते हैं इसमें भी आपको वन का आंसर तो दिया ही हुआ है इसलिए यहाँ टू का है थ्री का है फोर का है फाइव का है और ये सिक्स का है फिर इसके अलावा इसके बी में भी वैसे ही वन का तो दिया हुआ है फिर आपको यहाँ पर टू का है थ्री का है फोर का है फाइव का है फिर आगे बढ़ते हैं और अब है वर्ड्स इन यूज़ ये सब इसमें बड़े बड़े आंसर्स हैं लेकिन चलिए करना है वर्क फ्रॉम होम शिफ्टेड ये सब वर्ड मीनिंग्स बनाए गए हैं मतलब सेंटेंस बनाए गए हैं तो आप इसको अपने अलग ही इन सबको आपको खुद से अपनी भाषा में करना चाहिए बट बहुत जल्दी हो तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं लेकिन बाद में प्रैक्टिस करना चाहिए लिस्निंग के बारे में भी थोड़ा सा डायलॉग आपको बनाना है फिर तो लिस्निंग टेक्स्ट में इंटरव्यूअर है और हेल्गा है ये दो नाम आपको दे करके फिर इसमें बताया गया है तो आप इनको भी देख लें इसके बाद हम चलते हैं आगे ये अभी इंटरव्यू का ही पार्ट है आपके यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि इंटरव्यूअर है हेल्गा है इंटरव्यूअर है एल्गा है अभी और बढ़ेंगे आगे बहुत है बहुत सारा है इसमें इसके अलावा इसमें जो फ़िलिंग द ब्लैंक्स टाइप से दिया हुआ है वन से लेकर एलेवन तक यह अभी है ये भी आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं चलिए अब हमारा लास्ट है राइटिंग सेक्शन है राइटिंग सेक्शन को जो है यदि वो पकड़ा जाए तो क्या होगा इस आधार पे बाकी इन सबको आप अपने हिसाब से यदि लिखे तो बेटर होगा है ना कि बाकी मैंने प्रयास किया है बट आप इसको खुद से करें तो ज़्यादा बढ़िया है इससे आपकी इमेजिनेशन पावर पहले स्टोरी राइटिंग भी सीबीएसई में आता था आप तो थोड़ा सा उसको ये कोरोना काल की वजह से हटा दिया गया है अन्यथा जो है सो वो रहता है एक पेज और है राइटिंग भी इसका बहुत बड़ा है है राइटिंग में भी कोई कमी नहीं है राइटिंग भी इसका बड़ा ही है चलिए थोड़ा सा और है और अब ये समाप्त हो गया यहाँ पर ये एंड हो गया तो ये बहुत सारा था यहाँ पर मैं बता दूँ आपको लंबा सा था तो इसलिए हमारे इनकरेजमेंट के लिए इसे लाइक करना ना भूलें सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हैव अ नाइस डे